सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हम करा रहे हैं आपको क्लास 12 की इंग्लिश को, और इसमें आज आपका नया टॉपिक चलेगा होमोफोन्स, ठीक है। और इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको एग्जाम में कैसे इसे अटेंड करना है, ठीक है। तो इसे याद करने का क्या तरीका है, हम इन्हें कैसे याद कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये आपका होमोफोन्स हो गया। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है? देखिए, होमो का मतलब होता है समान और फोन्स का मतलब होता है आवाज, ठीक है। यानी समान आवाज वाले, यानी समान उच्चारण तो वाले शब्द, ठीक है। अब देखिए, इसमें इनकी जो डेफिनेशन दी हुई है वो कुछ लेखक है, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, देखिए। अ वर्ड, एक जो शब्द होता है प्रोनाउंस्ड, जिसे हम प्रोनाउंस्ड करते हैं लाइक अनदर वर्ड, दूसरे शब्दों की समान हम जिन्हें प्रोनाउंस करते हैं, जिनका हम उच्चारण करते हैं, ठीक है। बट स्पेल्ड डिफरेंटली, परंतु उसकी जो मीनिंग होती है वो टोटली अलग होती है, उसकी जो स्पेलिंग होती है वो टोटली अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसने कहा है, एच मार्टिन ने ये बात कही है कि वर्ड, एक जो वर्ड होता है, अ वर्ड प्रोनाउंस लाइक अ अनदर वर्ड, ठीक है। बट क्या होगा, जो स्पेल्ड होगी वो आपकी डिफरेंट होगी, यानी जो इसकी स्पेलिंग होगी वो उसकी आपकी डिफरेंट होगी। ऐसे दूसरे लेखक है, उन्होंने क्या कहा है, द वर्ड्स विच आर सिमिलर, वे शब्द जो समान होते हैं इन साउंड, किसमें, आवाज में समान होते हैं, बट डिफरेंट, परंतु अलग होते हैं, इसमें इन मीनिंग, मीनिंग में अलग होते हैं, एंड स्पेलिंग्स, और उनकी स्पेलिंग्स भी अलग होती है, आर कॉल्ड होमोफोन्स, उन्हें ही हम कहते हैं होमोफोन्स, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसका जो अर्थ होगा उन मीनिंगों का वो अलग निकलेगा, उनकी मीनिंग अलग लिखी होगी, परंतु जो हम प्रोनाउंस करेंगे वो आपका सेम होगा, ठीक है। जैसे हम पहला देखते हैं, यहाँ पे पहले में हमने लिया हुआ है इसे एक्सीड। एक्सीड का मतलब क्या होता है, सहमत होना, किसी चीज से सहमत हो जाना, ठीक है। मैंने कहा, मैंने आपके जो आपने बात कही है मैं उससे टोटली सहमत हूँ, ठीक है। तो हम वहां पे एक्सीड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, ही ग्रेसफुली एक्सीडेड टू माय रिक्वेस्ट, वह मेरी रिक्वेस्ट से कैसा हो गया, सहमत हो गया, ठीक है, मेरे निवेदन से सहमत हो गया। यहीं पे आप कह सकते हो, मैं आपके प्रपोजल से एक्सीड हूँ, मतलब मैं आपके प्रपोजल से कहता हूँ एक्सीड हूँ, यानी मैं आपके प्रपोजल से सहमत हूँ, योर प्रपोजल इज गुड, आई एम एक्सीड, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, मैं एक्सीड हूँ, मैं सहमत हूँ आपके प्रपोजल से, आपका प्रपोजल अच्छा है, ठीक है। या आप किसी भी चीज से सहमत हो जाओ, कोई कोई बात कहता है, कुछ कहता है, तो आप उसे सहमत हो तो आप कह सकते हो, ठीक है। ऐसे ही दूसरा देखिए, किसी का सेम क्या होता है, तो इसका भी जो प्रोनाउंस होता है वो एक्सीड ही होता है, ठीक है, एक्सीड, इसका पर अर्थ का अलग हो जाता है, इसका अर्थ हो जाता है अधिक होना, किसी की जो अधिक हो जाए ना मात्रा उसकी, उसको कहते हैं एक्सीड। जैसे कहने का मतलब ये है, यहाँ लिखा है योर एक्सपेंसेस, जो आपके खर्चे हैं ना, जो आपके खर्चे हैं वो एक्सीड हो चुके हैं योर इनकम, आपकी जो इनकम है, जो आपकी सैलरी है, उससे ज्यादा तो आपके खर्चे हैं, क्या है, आपके खर्चे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे मैं कहूँ कि आपके, जैसे यहाँ पे लिखा है योर एक्सपेंस इज एक्सीड योर इनकम, ठीक है, तो आपके जो खर्चे हैं वो आपके क्या हो चुके हैं, इनकम से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे ही आप किसी का भी खर्चा हो, आपने बहुत खर्चा कर लिया है, यानी कर दिया है, एक्सीड कर दिया है, ठीक है, क्या कर दिया, एक्सीड, तो हमने क्या कर दिया, एक्सीड कर दिया उसे, इसकी पर मीनिंग क्या है, ई एक्स सी डबल ई डी, ठीक है। तो आप कोई चीज लेने गए, ठीक है, और आपने वो क्या था, उसकी आवश्यकता उतनी नहीं थी और उससे ज्यादा आपने खरीद लिया, तो क्या कर दिया, एक्सीड कर दिया। देखो, आई हैव अ टू, ये क्या है, आई हैव अ टू मार्कर्स बट आई नीड ओनली वन मार्कर, मुझे एक मार्कर की नीड थी पर मैं दो मार्कर खरीद के लाया, तो हमने क्या किया, एक्सीड कर दिया, यानी एक्सीड कर लिया, मैंने क्या कर लिया, आई हैव नो नीड ऑफ बाइंग टू मार्कर्स बट आई एक्सीड टू मार्क्स, यानी मैंने अधिकता में क्या कर लिया, दो मार्कर खरीदी हुई, यानी उसकी क्या कर दी, मैंने अधिकता कर दी, मैंने ये अधिक दो मार्कर लेके आया मैं, तो ये मैंने अधिक कर लिया, मैं एक ही ले आया तो मेरा काम चल जाता,
ठीक है, तो क्या कर देता है, एक्सिट हो गया मेरा, मुझे खरीदना था एक, मैंने खरीद लिया दो, तो एक्सिट कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, इसकी मीनिंग क्या होती है, ACCEPT, ये मीनिंग याद रखना, ACCEPT, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है, स्वीकार करना। जैसे विल यू एक्सेप्ट माई ऑफर, क्या तुम मेरे ऑफर को स्वीकार करोगे, ठीक है, क्या करोगे तुम, तो मेरे जो मैं दे रहा हूँ आपको ऑफर, उसे स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे, तो क्या करना है आपको, एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, आई एक्सेप्ट योर ऑल गुड हैबिट्स, मैं आपकी सभी अच्छी आदतों को स्वीकार करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं आपकी सभी आदतों को, अच्छी आदतों को स्वीकार करता हूँ, बट आई विल नॉट एक्सेप्ट योर बैड हैबिट्स, पर मैं आपकी बुरी आदतों को स्वीकार नहीं करूंगा, ठीक है। आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, मैं आपका प्रपोजल स्वीकार करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने क्या कर दिया, प्रपोज कर दिया, आप उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो आप वहां पे कह सकते हो, ठीक है। ऐसे ही है एक्सेप्ट, इसका भी है, इसका मतलब क्या है, सिवाय, मतलब इसके सिवाय मैं दूसरी चीज दूंगा, इसके सिवाय मैं ये करूंगा, मेरे सिवाय ये काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, मैं ही कर सकता हूँ उस काम को, ऐसे बात करता है। जैसे एक्सेप्ट रमा ऑल केम हियर, कहने का मतलब यह, ये कह रहा है कि जो रमा है उसके सिवाय यहां सबको ही आया। एक्सेप्ट फाइव स्टूडेंट, एक्सेप्ट फाइव स्टूडेंट, फाइव स्टूडेंट के अलावा यहां सभी आए हुए हैं, तो ऑल केम हियर। एक्सेप्ट योर ब्रदर, ऑल माई फ्रेंड्स केम हियर, आपके भाई के अलावा यहां पर सब लोग आए हुए हैं, अलावा या सिवाय सभी आए हुए, ऐसे आप कह सकते हो। ऐसे देखिए एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। मैं आपसे पूछूं आप कितनी पहुंचे, आप कितनी पहुंचे, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि आप कितनी पहुंचे, तो आप क्या कहोगे कि मेरी तो पहुंच पीएम, मेरे पीएम तक है, पीएम तक है, नहीं प्राइम मिनिस्टर तक है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, एक्सेस कहते हैं। उसकी मीनिंग क्या होती है, उसकी मीनिंग होती है ACCEPS, एक्सेस में से पहुंच। कह रहा आई हैव नो एक्सेस टू हिम, मेरी कोई भी पहुंच नहीं है उस तक, क्या करने की, उस तक मेरी कोई भी पहुंच नहीं है, तो आई हैव एक्सेस टू पीएम, मेरी पहुंच क्या है, पीएम तक है, मैंने ऐसे ही अपनी नंबर ही मारा, पीएम तक मेरी पहुंच है, समझे, आप विधायक तक है आपकी, ऐसे कह सकते हैं आपकी एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है अधिकता, इसमें अधिकता, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज देयर, कहने का मतलब है किसी भी चीज की अधिकता क्या होती है, वो बुरी होती है। मुझे खानी थी 5 रोटी, अब मैं खा गया 10 रोटी, तो क्या कर दिया मैंने, ये जो हमारी है एक्सेस, यानी मैंने अधिकता कर दी है, किसकी अधिकता कर दी है, रोटी खाने की अधिकता कर दी है, तो आई हैव नीड ओनली 5 ब्रेड बट आई एक्सीड, परंतु मैंने क्या कर दिया, एक्सीड कर दिया 10 ब्रेड से एक्सीड कर दिया, 10 ब्रेड मैंने खा लिए, तो क्या है ये सभी क्या है, 10 ब्रेड वो हमारे यूज के फिर नहीं रहेंगे, समझ रहे। तो इस तरीके से आप इन पर कोई भी आपका अगर मीनिंग आता है तो आप उन्हें यहाँ पे यूज कर सकते हो, आपको ऐसे 2 मीनिंग दी जाएंगी, उसमें से आपको यूज करके बताना पड़ेगा उसका जो एग्जाम्पल द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए एक्सीड, फिर एक्सीड आपका बताया, फिर आपका यहाँ पे मैंने कराया एक्सेप्ट, और यहाँ पे एसेस, इसके बाद एक्सेस और एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सेस, तो ये जो एक्सेस है, ठीक है, तो इसकी क्या है, ये जो अधिकता हो जाती है, अधिकता हो जाती है, देखिए यहाँ पे अधिक होना था एक्सीड का मतलब, और एक्सेस का भी मतलब क्या है, अधिक होना, तो किसी की भी अधिकता क्या कर सकती है, हमको हमको गहरे में ले जा सकती है, डुबा सकती है, ठीक है। तो आप बताइए वीडियो आपको कैसा लगा है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा।